पोनियन सेल्वन और PS1। भाई जो जो पोनियन सेल्वन को बाहुबली से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उनसे मुझे बस एक ही चीज कहनी है, भाई मत करो, बाहुबली बहुत दूर रह जाएगी। और मेरे कल वाले वीडियो में नीचे सब कमेंट्स में लिख रहे थे कि PS1 को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं या नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं सब, तो अभी तक तो मैंने ना कोई रिव्यू देखा है ना पढ़ा है। बट आई वुड से अगर इस फिल्म को भी नेगेटिव बोल रहे हो तो तुम्हें फिल्में क्या सत्यमेव जयते 2, बीस्ट, हीरोपंती 2 या कठपुतली जैसी ही फिल्में चाहिए सिर्फ? अच्छी सिनेमा से प्रॉब्लम है क्या कोई? हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द अनदर वीडियो ऑफ अनबायस्ड आर्या, जहां आज हम लोग बात करेंगे मनी रत्नम की मैग्नम ओपस पोनियन सेल्वन के बारे में। स्टार कास्ट बहुत लंबी है, आप लोग विजुअल्स देखते रहो, सारी स्टार कास्ट दिख जाएगी। और ये कल्कि की नॉवेल पोनियन सेल्वन पे बेस्ड है, बट 5 पार्ट की नॉवेल को 2 पार्ट की मूवी बनाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारे सेवेज सीन को मिस करते हुए प्लॉट को कुछ कुछ जगह पे एब्रप्ट छोड़ते हुए जंप करते रहती है, जिससे बहुत सारे सीक्वेंसेस को मूवी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। बट जो नॉवेल पढ़े हैं उनके लिए बस उनकी पढ़ी हुई चीजों को विजुअलाइज करने में जो एक्साइटमेंट आया होगा उनकी खुशी बस वो ही बता सकते हैं। बट स्टार्ट के 30 मिनट जो रैपिड पेस के साथ मूवी भाग रही थी, अलग अलग कहानियों को दिखाते वक्त और नॉवेल्स के बहुत सारे सीन्स को मिस करते हुए जा रही थी, तो उस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था कि सेम स्टार कास्ट के साथ इन्होंने ये वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इफ ये 6-7 सीजन की वेब सीरीज होती तो इनके पास और टाइम रहता हर सिचुएशन, कैरेक्टर एंड टैक्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। बट जितने भी सीन्स एंड पूरी स्टोरी दिखाई गई है इस मूवी में वो अपने बेस से नॉवेल से बिल्कुल ट्रूथफुल है और ऑथेंटिसिटी लूज करना ही नहीं चाहती है, जिसके लिए आई मस्ट थैंक मणिरत्नम सर। और एक बात बताओ, विक्रम सर के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जिस टाइम की ये मूवी है उस टाइम के हिसाब से लैंग्वेज को यूज किया गया है एंड उर्दू यूज नहीं किया गया है। हम बहुत बार एक ही बात बोले हैं, अगर आप लैला मजनू बना रहे हो एंड शुद्ध हिंदी या संस्कृत यूज करो तो वो सही नहीं होगा एंड जस्टिस नहीं कर सकती है वो। सेम वैसे ही इस मूवी में उर्दू वर्ड जस्टिस नहीं कर रही थी, एज सॉन्ग्स तो लगभग पूरे उर्दू में ही है, वहीं मूवी में भी कहीं कहीं मौत, नसीब ये सब वर्ड्स यूज करके थोड़ा दिमाग खराब कर रहे थे। और जो इसमें मुझे लास्ट प्रॉब्लम लगी कैरेक्टर्स के नेम के अलावा, जिसे याद रखने में या प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो थी VFX इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन था, जहां अगर आप इतने महंगे बजट के साथ इस मूवी को बना रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होनी चाहिए थी। कहीं कहीं VFX लिटरली बहुत अच्छे थे और कहीं कहीं इट वॉज लाइक भाई YouTube के VFX आर्टिस्ट से करवा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब बस नेगेटिव सुनने वालों, बस इतने ही नेगेटिव थे इसमें जितने बता दिए। अब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आते हैं, तो सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट, परफेक्ट वर्ड भी छोटा पड़ जाए जिसके लिए, मतलब जिस भी कैरेक्टर के लिए जिन्हें भी असाइन किया गया था वो एकदम उस कैरेक्टर के डेप्थ में डाइव इन कर चुके थे। वहीं विक्रम, ऐश्वर्या राय एंड कार्थी ने तो बिल्कुल आग ही लगा रखी थी, जो इमोशंस एंड रेज दिखते हैं विक्रम के चेहरे पे। वहीं अपने सार्केस्टिक प्रिंस कार्थी के सार्केज्म एंड फ्लर्ट्स नेक्स्ट लेवल पे थे। और ऐश्वर्या राय बच्चन कसम से यार एकदम रेड वाइन है यार, जितनी एज बढ़ रही है सौंदर्य भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, साथ में आंखों से जो एक्ट करा है उन्होंने, भाई कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती थी उन्हें, एक्ट करने के लिए एक्शन सी काफी थे उनके। वहीं जिस टाइप से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड रिचुअल्स को यहाँ दिखाया गया है उसे देख के रियली प्राउड फील होता है कि ये हिस्ट्री पूरे दुनिया में से कहीं और की नहीं बस हमारे देश की है। और ये रियली में हमें ये फील कराता है कि बॉलीवुड हमें इस टाइप की मूवी कभी ट्रूथफुल टू देयर सोर्सेस रख के क्यों नहीं डिलीवर करते हैं। यहाँ जिस टाइप की फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाया गया है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, जो कि एक हिस्टोरिकल मूवी में बहुत कम देखने को मिलती है। एंड बाहुबली से अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा था, बट उस मूवी में वो सूट कर गई थी, बट इस मूवी में मैं नहीं चाहता था कि ये हो। इस मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी स्टोरी है, जिसके डेप्थ के सामने गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग सब फेल है। इसके प्लॉट्स के सब प्लॉट्स के सब प्लॉट्स के भी अपनी अलग ही डेप्थ है भाई, और ये हम कोई एग्जेजरेशन नहीं दे रहे हैं, ये रियलिटी है। ये एक एपिक सिनेमेटिक मार्वल है जिसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। इफ आपके पास इस विजुअली स्पेक्टेक्युलर फीस्ट में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल रहा है तो डेफिनेटली जाओ, अपने आंखों को ये ट्रीट दो। बस मूवी के लास्ट में जो देखने को मिला ना, मेरे को ऐसा लग रहा था बहन के भाइयों सालों अभी लगाओ इसका नेक्स्ट पार्ट, मेरे को अभी देखना है, बट 1 साल वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर बुक वॉर्म्स, सारी बुक्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे अवेलेबल हैं, चाहो तो 5 पार्ट मिल जाएंगी, चाहो तो चेक कर लो। एनीवेज आई रेट दिस मूवी 9/10 stars। भाई उतनी बुराइयां बताने के बाद भी इतना इसलिए क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है। बस जो इसके बारे में नेगेटिव्स बोल रहे हैं एक बार ध्यान से फिर से देखो इस मूवी को, और आप लोग भी जाओ इसे बिल्कुल भी मिस मत करो। एंड बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड साइनिंग इट ऑफ। Things I was worried about as a kid versus now. 1. Getting lost. Now I'm worried people will find me. 2. The monster under the bed. Hey, if you're still there, climb on in. I could use the physical contact. 3. Strangers. That one's still true.